नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। खबर दतिया से है। भांडेर आईटीआई कॉलेज में बड़ी लापरवाही आई सामने। आज 2 बजे आईटीआई में छात्रों की थी परीक्षा। 3 घंटे बाद 5 बजे तक छात्रों को नहीं मिले पेपर। परीक्षा देने वाले छात्र बुरी तरह दिखे परेशान। छात्रों ने मीडिया से लगाई गुहार। जिम्मेदार अधिकारी कॉलेज से हुए गायब। पल पल की अपडेट देते हुए जिला आलोक संवाददाता आलोक शुक्ला। हम तो ले लें बात का है। नहीं, हम यहीं से करेंगे। हम केवल इतना पूछना चाह रहे हैं आपसे, हमें के अलावा आप इतना बता दो कौन जिम्मेदार है यहाँ पे। सर, हमारी परीक्षा प्रभारी है सबसे बात। अच्छा, जो भी कर रहा है सर। तो आप एक मिनट, हमें आप हमें ये बता दो, आप ये बताओ जो एग्जाम कितने बजे से होना था। आपको तो पता होगा बजे से होता है। टाइमिंग तो अभी कितना बजा है? अभी तो 4:30-5:30 होने जा रहे हैं। काय के पेपर है ये? इलेक्ट्रीशियन आईटीआई के। तो अभी तक हुए नहीं? नहीं सर, कोई नहीं हुई है। कितने स्टूडेंट हैं? आप कहाँ से आए? हम तो सर 100 किलोमीटर दूर से आए। कहाँ से आए? पिछोर से। तो यहाँ पे अभी आईटीआई पहली फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर तुम्हारी? मेरी तो वो फाइनल की है। नाम क्या तुम्हारा? सत्येंद्र जाटव। ये आईटीआई का नाम बताओ। इलेक्ट्रीशियन। कॉलेज का नाम बताओ। कॉलेज का सर पता नहीं है। नहीं पता? सेंटर हुआ। सेंटर सेंटर हुआ। हाँ, सेंटर है। कहाँ है हमारा सेंटर? जहाँ से कर रहे हैं आरसीएम कॉलेज से। भांडर है सेंटर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।